स्टोर हीट। जिसमें हमने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था कि टेम्परेचर को हम डिग्रीज में कैसे बताएंगे, मतलब नॉर्मल हो तो हम बता देते हैं लेकिन इसको डिग्रीज में कैसे बताया, इसके लिए देखिए दो थर्मामीटर है। फर्स्ट था क्लिनिकल थर्मोमीटर और सेकंड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जिसमें हमने फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया था अपने पहले की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर समझाया था और उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिग्रीज भी बताई थी। जिसमें देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मिनिमम और मैक्सिमम था वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये क्लिनिकल है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका ज़्यादातर जो यूज़ है हम किसमें करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, देखिए ये जो लैब होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े वस्तुओं का जो टेम्परेचर नापा जाता है उसमें ये यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर का भी इसमें नापा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो दिखने में ऐसा होता है, आपकी बुक में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पर मैंने बोर्ड पर भी बनाया है, तो ध्यान से देखिए। इसमें एक साइड क्या होता है, बल्ब लगा होता है और यहाँ पे क्या होता है मरकरी, ये बल्ब जिसमें हम जैसे टेम्परेचर नापते हैं उस टाइम ये बल्ब जल जाता है, मतलब रोशनी करता है। और प्लस जो इसमें लंबी सी लाइन है वो क्या है, मरकरी की, जो ये सब बता हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें ये किसका बना होता है, ग्लास ट्यूब से इनका बना हुआ होता है पूरा और ये लंबा सा होता है। इसमें देखिए जो यहाँ पे डिग्रीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 डिग्री to 110 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होती है। तो देखिए क्लिनिकल में तो नॉर्मल था 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 डिग्री to 110 डिग्री सेंटीग्रेड से। इससे हम वाटर का टेम्परेचर नापते हैं। आपकी बुक में भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, देखिए आपको एक बॉयल वाटर लेना है और उसका हम आपसे पूछा गया है कि इसका टेम्परेचर निकालिए, तो आपने क्या किया, बॉयल वाटर पे एक बीकर या फिर आप बना सकते हो बाउल रंग का, और उस पर क्या ले लिया, थर्मामीटर, ये वाला लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर लगा दिया। तो इसको इस टाइप से लगाते हैं जिसमें नीचे पानी में जाने वाला सिरा ये होता है, फिर ऊपर बल्ब होता है जो हमें टेम्परेचर फुल टेम्परेचर बताता है कि इसका टेम्परेचर टोटली कितना है, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड कौन सा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम कितना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और हर लिक्विड का एक अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर का अगर बात करें, बॉइल्ड वाटर का एकदम गर्म उबलता हुआ पानी, अगर जैसे नॉर्मल भाषा में बोले उबलता हुआ पानी, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक फिक्स वैल्यू है जिसको आपको याद रखना है, कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉइल का। और भी जो अलग अलग लिक्विड्स होते हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसको हमें थर्मामीटर्स के द्वारा नाप कर हम उसका निकाल सकते हैं। तो आज हमने बेसिक टेम्परेचर में दो टेम्परेचर के बारे में बात, सॉरी दो थर्मोमीटर्स के बारे में स्टडी किया, क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कल हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, जिसमें देखिए अभी आप ट्रांसफर ऑफ हीट नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा, मतलब हीट जो ऊष्मा है वह एक स्थान से कहाँ जाएगी, दूसरे स्थान पर। अब वो आप देख सकते हो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास लोहे का छड़ यानी फेरस का छड़ है, ठीक है, उसको आपने मोमबत्ती के नीचे रखा हुआ है, तो आप देखो आपने यहाँ से गर्म करना स्टार्ट किया तो पहले ही यहाँ पे गर्म होगा, धीरे धीरे यहाँ तक कि पूरी जो रोड है छड़ है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। लेकिन आप बोलोगे मैम ये कैसे, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, छड़ ले लो और छड़ पे यहाँ क्या लगा दो, मोम लगा दो, ठीक है। फिर जब आप मोमबत्ती करोगे तो पहले यहाँ तक का एरिया हीट होगा, हीट होने के बाद ये धीरे धीरे इसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जैसे ही यहाँ तक पहुँच
ये एक सिरे से दूसरे सिरे पे ऐसे करके धीरे धीरे मोम सारी गिरने लग जाएगी और इसको